हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रिया, अमेजिंग प्रिया से आज मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग लेके आई हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। ये जो क्लिप है वो जो मैंने ब्लॉग शेयर कर दिया है ये उस ब्लॉग का है। तो जी हाँ, ये उसी ब्लॉग का है, उसमें ऐड करना मैं भूल गई थी। और ये क्लिप मुझे बहुत ही अच्छी लगी तो इसीलिए मैंने इस ब्लॉग में ऐड कर दिया। ये हम कार से उतरने के बाद थोड़ा सा टहल रहे थे तो मेरे हस्बैंड ने शूट कर लिया था, तो मुझे अच्छी लग रही थी ये क्लिप, तो इसीलिए मैंने इस ब्लॉग में शेयर कर दिया है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। और उसके बाद मैं गांव में किस मार्केट में जाती हूँ मैं वो ब्लॉग लेके आप लोगों के लिए आई हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ सूरापुर मार्केट, वहाँ मुझे ब्लाउज स्टिचिंग के लिए जाना था। तो ब्लाउज स्टिचिंग दिल्ली में मैं नहीं करवा पाई थी, दो तीन ब्लाउज मेरा रह गया था, तो मैंने सोचा चलो मैं यहाँ पर कोई अच्छा सा टेलर देख के यहीं पर दे देती हूँ स्टिचिंग के लिए। तो वही मैं जा रही हूँ। यहाँ पर मेरी ननद रेडी हो रही हैं, वो बैठी हुई हैं, मैं उनको वीडियो मिलाने के बोल रही हूँ, मतलब हाय करो। तो ये मामी सास हैं और ये मम्मी हैं, मेरी सासू माँ, और ये मामा जी हैं, और उनको भी मैं बोल रही हूँ मामा जी आप वीडियो में आओगे क्या, तो वगैरह। हाँ हाँ, कोई बात नहीं है। तो उसके बाद हम लोग सूरापुर जाने के लिए तैयार हो गए हैं। ये कार हमारे मेरे हस्बैंड ने कार निकाल ली है और बैठे हुए हैं, तो अब मैं भी बैठने जा रही हूँ कार में और फिर देखते हैं सूरापुर मार्केट चलते हैं और दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी आप लोगों को दिखाऊँगी। अब मैं बैठ गई हूँ कार में और हम लोग जा रहे हैं। और मैं सोच रही थी कि वॉइस ओवर ना करूँ, मैं साथ ही साथ में मतलब बोलती जाऊँ, बट ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि अगल बगल की वॉइस आती है ना, तो वॉइस मैं अच्छी नहीं मतलब आती और साफ सुनाई भी नहीं देती। तो ये है विजयथुआ महावीर का मंदिर, जो हनुमान जी का मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है ये, और हमारे घर के जस्ट बगल में ही है। और मैं हमारा रास्ता वहीं से होके जाता है, हमारे घर का रास्ता वहीं से होके जाता है, तो वहाँ से मैं जा रही थी। तो मैंने सोचा चलो मैं ये भी थोड़ा सा आप लोगों को दिखाऊं। और तो जो भी हनुमान जी के मतलब विजयथुआ के बगल के होंगे उनको तो पता ही चल गया होगा कि ये ब्लॉग कहाँ का है। तो जी हाँ, और ये विजयथुआ महावीर का ब्लॉग है और मंदिर है, और हम लोग जा रहे हैं सूरापुर। ये सूरापुर की रोड है और जा रहे हैं। मैंने थोड़ा सा रास्ते का व्यू ले लिया है और आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। और गांव की जो वीडियोस अच्छी होती हैं तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी थोड़ी सी आप लोगों को दिखाती रहूँगी, अपडेट देती रहूँगी मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ। तो इसीलिए मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के लिए। और अब हम मार्केट में पहुँच गए हैं और सूरापुर मार्केट में पहुँच गए हैं हम लोग। अब हमें अच्छी सी जगह देख के वहाँ पे कार अपना जो है पार्किंग करेंगे, उसके बाद जाएंगे टेलर के पास। मैं थोड़ा सा मॉर्निंग में वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी वॉइस सही नहीं आ रही होगी, तो प्लीज़ डोंट माइंड मत करना। और मॉर्निंग का टाइम ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा आवाज़ जो है भरी भरी सी लगती है। और मेरे हस्बैंड ये कार ड्राइव कर रहे हैं, मैं बगल में ही बैठी हूँ और हम लोग कोई जगह देख रहे हैं कि कोई भी जगह अच्छी से मिल जाए तो वहाँ हम कार जो है अपना पार्किंग करें और उसके बाद हम जाएँगे टेलर के पास। तो देख ही रहे हैं, पूरा मार्केट घूम डाले बट हमें कोई जगह नहीं दिख रही थी कि हमारी कार कहाँ सेफ खड़ी हो पाएगी। अब देखते हैं, कहीं इधर उधर हम देख रहे हैं। तो ये मार्केट बहुत ही अच्छी है, सूरापुर मार्केट बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे हर तरह की चीज़ें मिलती है, मतलब हर चीज़ें मिलती हैं, कपड़े वगैरह, जूते वगैरह, बैग वगैरह, सब भी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। तो जो भी सूरापुर के होंगे, अगल बगल के होंगे, उनको तो पता ही चल गया होगा कि मैं सही बोल रही हूँ। और सूरापुर मार्केट बहुत ही अच्छी है। और तो फाइनली हमें एक जगह मिलने वाली है कि जहाँ हम कार अपनी पार्किंग करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे टेलर के पास। तो देखते हैं, और वहाँ की दुकानें भी बहुत अच्छी हैं, चाट वगैरह बहुत ही अच्छे मिलते हैं। और यहाँ पे हमें कार एक मतलब पार्क कर दिया हमने कार एक जगह पे, हम टेलर के पास आ गए हैं। और तो अब मैं इनको सारी साड़ियाँ निकाल के दिखाऊंगी और स्टिचिंग के लिए दूंगी। और अब मैं यहाँ पे बैठ गई, उन्होंने मुझे चेयर दिया और मैं चेयर पे बैठ गई। और उसके बाद ये डिज़ाइन मतलब उन्होंने दिखाया कि कैसा डिज़ाइन बनाना है,
तो मैंने उनके पास ब्लाउज़ था, तो मैंने दो तीन ब्लाउज मतलब अच्छे अच्छे डिजाइनर्स थे, तो डिजाइनर थे तो मैंने पसंद कर लिया। तो मैंने बोला भैया इसी तरह से बना देना, और हम लोग ब्लाउज़ देके वापस आ गए हैं। और उसके बाद थोड़ा सा हम टहल रहे हैं इधर उधर, उसके बाद हम कार में जाएंगे बैठेंगे और फिर घर जाएंगे। तो हस्बैंड ने बोला चलो थोड़ा सा कुछ खा पी लेते हैं। तो हम चाट की दुकान पे आ गए हैं, और यहाँ पे तिवारी चाट भंडार है, तिवारी चाट स्टॉल है, और बहुत ही फेमस स्टॉल है ये। चाट बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अमेजिंग चाट बनती है यहाँ पे। तो आप देखिए कुछ इस तरह से बनाते हैं वो लोग, तो बहुत ही टेस्टी होता है। और गांव का चाट तो मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि दिल्ली में नहीं मिलता चाट वगैरह, तो इसलिए मैं जब भी गांव आती हूँ तो मैं चाट पे ही ज़्यादा जोर मारती हूँ, मतलब खाना चाहती हूँ मैं। तो यहाँ पे वो जो तिवारी भैया हैं चाट बना रहे हैं, और हस्बैंड यहाँ पे लेने आए हैं चाट, और मतलब बोलने आए थे कि बोलना ऑर्डर देना पड़ता है ना। तो उसके बाद हम यहाँ साइड में बेंच पे बैठे हुए हैं, और मैं यहाँ बैठी हूँ और वेट कर रही हूँ चाट का, कब आ जाएगा। तो अभी वो रेडी कर रहे हैं, रेडी करने के बाद वो भेज देंगे, मतलब हमारे पास भेजेंगे चाट। उसके बाद मैं यहाँ पे बैठी हूँ और चाट हमारा आ चुका है, और बहुत ही टेस्टी चाट है, बहुत ही यम्मी, बहुत ही डिलीशियस है ये। और तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखाऊं, आप लोगों को भी पसंद आए। और मेरी जो वॉइस है थोड़ी अच्छी नहीं आ रही होगी, ये हमने लिया है स्लाइस। और आई होप आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आएगा, अगर पसंद आएगा तो मेक श्योर एक लाइक तो बनता है। गाइस सूरापुर से मैं आ गई हूँ, और बज गए थे 6:30 और शाम हो गई थी। और यहाँ पे जो हमारे गांव की नाइन होती है ना, वो आई थी रंग लगाने, और मेरे पाँव में रंग लगा रही हैं वो। और मैंने लेट हो गया था, बट उन्होंने बोला आओ लगा दूँ रंग, तो वो मुझे रंग लगा रही हैं। और अब मैं यहाँ पे रंग लगवा रही हूँ, और बहुत ही अच्छा रंग लगाती हैं वो। और 6:30 बज गए थे शाम को, और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, और रंग लगवा लिया मैंने। और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाऊँगी फटाफट, क्योंकि अब मैं किचन में ही खड़ी हूँ, और वहीं से मैं अपडेट दे रही हूँ आप लोगों को कि मैं सूरापुर से आ गई हूँ, मतलब मार्केट से आ गई हूँ, और लेट भी हो रहा था खाना बनाने के लिए। तो अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ, और आई होप आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक करके तब भी जाना। और ऐसे ऐसे मैं छोटे छोटे अपडेट आप लोगों को देती रहूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं क्या करती हूँ, कैसे खाना बनाती हूँ, सब अपडेट देती रहूँगी आप लोगों को। तो थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं दूसरी वीडियो में प्यारी सी अच्छी सी वीडियो के साथ। बाय बाय।